हाय एवरीवन, एज यू ऑल नो आपका यूजीसी का एग्ज़ाम आने वाला है और जून 2019 एंड यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट। बट फॉर योर प्रिपरेशंस, आपको अपनी प्रिपरेशंस पूरी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर सॉल्व करें। अब आपकी एग्ज़ाम टाइमिंग्स 90 मिनट से 60 मिनट्स कर दी है एंड टू सॉल्व योर 50 क्वेश्चंस आपकी स्पीड बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्पीड तेज़ हो ताकि आप वो 50 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएँ। सो फॉर दैट आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना ज़रूरी है जिनके थ्रू आपकी स्पीड और ज़्यादा आएगी, जिनके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके पेपर का पैटर्न कैसा है। सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल बी सॉल्विंग सम मॉक टेस्ट पेपर्स फॉर योर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग जो आपके क्वेश्चंस आते हैं दोज आर सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम, बेसिक आर्ग्यूमेंट्स दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, एनोलॉजी में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपके क्वेश्चंस जितने भी आते हैं मोस्टली इन्हीं से आते हैं एंड आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है इससे आपका फ़ायदा ये है आपको पता है आपके कौन से टॉपिक्स हमेशा आएंगे, बिकॉज इसमें आपकी पॉसिबिलिटी रहती है कि आपके इस लॉजिज्म में दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आपके वेन डायग्राम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएगा, आपका इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सो वी विल बी सॉल्विंग 15 क्वेश्चन फ्रॉम मॉक टेस्ट पेपर ऑन लॉजिकल रीजनिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द स्टेटमेंट नो पॉलिटिशियन इज डिसऑनेस्ट इज फॉल्स। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आया है सिलॉजिज्म के रूल से, तो आपका क्वेश्चन है इफ द स्टेटमेंट नो पॉलिटिशियन इज डिसऑनेस्ट इज फॉल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर नो पॉलिटिशियन इज डिसऑनेस्ट फॉल्स है तो सही क्या होगा। देखिए इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं इसमें आपका लॉजिक जाता है जो कि हमने आपको हमारी वीडियो में बताया था अपोजिशन का। यहां पर अगर आपको नो बोला है तो इसका आपका आंसर जाता है या तो होगा सम आर या फिर ऑल। तो पहले आप हमेशा जो इसमें यूज़ करते हैं जब आपसे एकदम अपोजिट पूछा जाता है कि अगर ये गलत है तो क्या सही होगा, अगर ये सही है तो क्या गलत होगा, तो इसमें आप अब यूज़ करते हैं हमेशा ये लॉजिक। लाइक ऑल के लिए आपका इसमें जाता है सम नॉट एंड नो। तो आप जब ये लॉजिक देखते हैं इसमें आपका आंसर जो आता है, तो हम यहाँ देखें नो पॉलिटिशियन इज डिसऑनेस्ट, यहाँ आपको दिया है नो पॉलिटिशियन इज डिसऑनेस्ट, तो आपका आंसर यहाँ क्या सही होना चाहिए सम आर, दैट इज ओनली सेकेंड इज राइट। यहाँ पर आपको ये याद रखना है आपका कौन सा लॉजिक लगा है। आपसे बोला गया है नो का अपोजिट क्या होगा, सम आर का अपोजिट क्या होगा, ऑल का अपोजिट क्या होगा, तो आपके यहाँ पर ये वाला रूल जाता है कि नो का अपोजिट जो जाता है हमेशा सम आर देन ऑल आता है, आप हमेशा पहले यूज करेंगे सम आर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट से, लाइक इन केस ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स द कंक्लूजन इज ऑलवेज। अब यहाँ बात हो रही है आपकी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की, अगर आपने डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स ठीक से पढ़े हैं तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हमेशा अपने प्रिमाइसिस के हिसाब से जाता है। तो यहाँ आपसे ऑप्शन आपको दिए हैं इट इज एंटेल्ड बाय द प्रिमाइसिस, नॉट बेस्ड ऑन द प्रिमाइसिस, इट इज एडिशनल टू द प्रपोजिशंस और पार्ट ऑफ द इन्फ्रेंसेस। अगर यहाँ आप देखें डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज दिस कि यहाँ पर आपको दो प्रिमाइसिस दी हैं उनसे आप अपना कंक्लूजन निकालते हैं, आपकी फर्स्ट प्रिमाइस है आपकी सेकेंड प्रिमाइस है उससे आपका कंक्लूजन निकलता है। सो फॉर योर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट व्हाट यू डू, लाइक सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म में आपको हमेशा दो स्टेटमेंट दी जाएगी उससे आपको आपका कंक्लूजन निकालना है, तो यही आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में होता है। तो इसका सही आंसर होगा इट इज ऑलवेज एंटेल्ड बाय द प्रिमाइसेस। व्हाई, बिकॉज डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हमेशा फर्स्ट प्रिमाइस सेकंड प्रिमाइस जो सिलॉजिज्म में भी दी जाती हैं उन्हीं से आपका कंक्लूजन आता है। और अगर आप इसमें एक एग्जांपल देख सेकंड क्वेश्चन में, लाइक ऑल Men are mortal, Socrates is a man, ये की दो premises हो गई, all men are mortal, Socrates is a man, तो इसका conclusion होगा Socrates is mortal। तो आपने ये कैसे निकाला, आपने ये जो आपका deductive argument है ये आपका आया ऐसे जब आपने दो premises को लिया आपका conclusion निकला, तो यही आपका होता है deductive argument जो कि आपका second case है जिसमें आपको बोला गया है इट इज ऑलवेज एंटेल्ड बाय द प्रिमाइसिस। व्हाई, बिकॉज आपके जो दो प्रिमाइसिस होंगे उन्हीं से आपका कंक्लूजन आएगा, उन्हीं से आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट निकल के आएगा, सो योर आंसर विल बी फर्स्ट।
So now after your second question, the third question talks about the syllogism. So in this question, we will be solving it through the Venn diagram. And यहाँ पर आपको दिए हैं दो statements जिनसे आपको चार conclusions दिए हैं, इनको solve करते हैं. All ships are trains. All ships are trains. सारी ships जो हैं वो trains. पहला statement है. Second statement is some trains are walls. कुछ trains जो हैं वो walls हैं. तो इसका बन गया यहाँ पर Venn diagram आप question का. तो यहाँ पर अगर हम इनके conclusions देखें आपको जो सारे दिए हैं that are some ships are walls. Like I have already mentioned you these things in our videos on syllogism कि जब भी आपको दो यहाँ पर ऐसे subject दिए हैं जिनका कोई आपस में link नहीं है आप उनको कभी भी right tick नहीं कर सकते because आपको नहीं पता what connection they have. So हमेशा आपका answer वहाँ होता है can't से. And जब आपको यहाँ बोला है some ships are walls तो आपको नहीं पता तो आपका हमेशा यहाँ पर क्रॉस होगा. फिर आपको बोला है some walls are ships, इनका कोई कनेक्शन नहीं दिखाया, आप रॉन्ग ही ट्रिक करेंगे. some walls are trains, जो कि आपको आपके प्रीमाइसेस में भी दिया है, तो ये आपका सही है. देन आता है some trains are ships, कुछ ट्रेन्स आपके ships हैं, ये भी आपका सही है. तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है थर्ड ऑप्शन, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ. तो आपके यहाँ पर सही आंसर क्या होंगे, some walls are trains and some trains are ships. के जो पहले के दो हैं वो wrong होंगे because इनका कोई connection ही नहीं है. तो आपके third question syllogism का answer आप ऐसे Venn diagram से निकाल सकते हैं. So now in your fourth question, अगर आप देखें इसमें भी आपका question ऐसे ही आया है, इसमें जो कि आपके exam में भी आता है, फिर से आपसे पूछा गया है opposite, कि इसका opposite क्या होगा. अगर आपको no का opposite पूछा है तो क्या होगा, all का पूछा है तो क्या होगा, some are का पूछा है तो क्या होगा. If the proposition no women are honest is taken to be false, अगर हम no women are honest को false ले लेते हैं तो आपका कौन सा proposition जो है वो सही होगा. जैसे कि मैंने आपको था बताया नो का जाता है सम आर टू ऑल, पहला आप यूज करते हैं सम आर, दूसरा आप यूज करते हैं ऑल. तो अगर आप देखें ये वाले आपके क्वेश्चन में अगर आप इसके ऑप्शंस देखें, सम वुमेन आर नॉट ऑनेस्ट, सम वुमेन आर ऑनेस्ट, ऑल वुमेन आर ऑनेस्ट, नो वुमेन आर ऑनेस्ट, तो जब भी आप इस लॉ को देखेंगे कि जब भी आपसे अपोजिट पूछा जाए तो नो का जो आपका लॉ है वो जाता है सम आर में पहले. तो सम आर आपका यहाँ पर है सम वुमेन आर ऑनेस्ट, तो आपका सही आंसर हो जाता है सम वुमेन आर ऑनेस्ट. नाउ इन योर फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर लॉ ऑफ अपोजिशंस के बारे में. ये भी हमने आपको हमारी सेकेंड वीडियो में सिलॉजिज्म की बताया है कि लॉ ऑफ अपोजिशंस क्या होता है. आपके चार लॉज होते हैं सबल्टर्न, कॉन्ट्रडिक्ट्री, कॉन्ट्ररी एंड सब कॉन्ट्ररी. तो यहाँ पर आपको इनकी स्टेटमेंट दी है इनमें से एक की, आपसे पूछा गया है ये स्टेटमेंट इनमें से कौन से लॉ की है. तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ये चारों लॉज की स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ लें कि इसमें कौन सी प्रिमाइस में क्या होता है, कहां सम आर आएगा, कहां सम नॉट आएगा, कहां ऑल यूज होगा एंड कहां पर नो यूज होगा. तो जब आप ये स्टेटमेंट देखते हैं इफ टू प्रपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स कैन बी बोथ बी ट्रू बट कैन नॉट बोथ बी फॉल्स द रिलेशन बिटवीन दीज दोज टू प्रपोजिशन. देखिए इसमें आपका आंसर है सब कॉन्ट्ररी. ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये आपके फोर्थ लॉ में आ रही है, दैट इज सब कॉन्ट्ररी. आपके जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ अपोजिशन है इनमें आपका जो सब कॉन्ट्ररी है ये उसका डेफिनेशन है. तो ये पांच क्वेश्चंस थे आपके लॉजिकल रीजनिंग के जो कि आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं. इनमें से आपका सिलॉजिज्म, आपका वेन डायग्राम, इसमें से आपका जो लॉ ऑफ अपोजिशंस है, दे ऑलवेज आस्क दीज क्वेश्चंस. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम अवर मॉक टेस्ट पेपर ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड वी विल बी सॉल्विंग अनदर 5 क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट वीडियो. सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज ऑन UGC NET एग्जाम एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.